तो आपने देखा कि पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता दो अलग अलग खाते हैं, उनको बनाने की कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब विघटन से संबंधित प्रश्न दिए गए होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के आधार पर समायोजन तो रहते हैं, लेकिन चिट्ठे का अभाव रहता है, यानी कि फॉर्म जो है वो बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो ऐसी कंडीशन में हमको कैलकुलेशन करने से पहले एक स्मारक चिट्ठा बना लेना होता है और उसके आधार पर फिर हम जनरल एंट्री करते हैं। आइए इस तरह के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। वसूली व्यय से संबंधित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि करनी है, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वसूली व्यय की राशि 2500। इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टिप्पणी में हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 2500 इसकी अमाउंट आएगी। सेकेंड हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, वसूली व्यय की राशि 3000 रुपए का भुगतान अशोक द्वारा जो कि एक साझेदार है किया गया। तो क्योंकि वसूली व्यय का भुगतान एक साझेदार यानी अशोक के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, और 3000 की हम यहाँ पर अमाउंटिंग करेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे फॉर एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तीसरी जो यहाँ पर एंट्री हो रही है वो है वसूली व्यय 2300 रुपए तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए। अब क्योंकि ये यहाँ पर एक शब्द आया है व्यक्तिगत तौर पर किए गए, यानी पर्सनली उसने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 2300 डन बाय तरुण पर्सनली, यानी कि तरुण ने इसे व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया। चौथा हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट, साझेदार अमित को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 4000 रुपए में नियुक्त किया गया और वास्तविक वसूली व्यय की राशि 3000 रुपए है। यहाँ वास्तविक वसूली व्यय की राशि से हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि हमने अमित को यहाँ पर रियलाइजेशन के लिए के काम के लिए नियुक्त किया था, तो उसको हमने क्या पेमेंट किया। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, और हमारी यहाँ पर हम टिप्पणी लिखेंगे फॉर द रेम्यूनरेशन पेड टू अमित फॉर द डिसोल्यूशन। हमने डिसोल्यूशन के लिए अमित को विघटन के लिए अमाउंट पे की और 4000 की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि तीन साझेदार शिल्पा मीना और नंदा 31 मार्च 2006 को फर्म का विघटन करते हैं। इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 3:2:1 और फर्म का चिट्ठा दिया गया है जिसके अंतर्गत दायित्व की राशि दी गई है पूंजी कैपिटल। शिल्पा की कैपिटल है 80,000, मीना की 40,000 और बैंक लोन है, साथ में बैंक लोन है 20,000, क्रेडिटर्स है 37,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 1,200 और जनरल रिजर्व है 12,000। एसेट्स यानी संपत्तियां दी हुई है बिल्डिंग 81,000, स्टॉक 56,760, डेटर्स हैं 18,600, कैपिटल ऑफ नंदा की पूंजी है 23,000 और कैश यहां पर है 10,480, यानी कि इनकी बैलेंस शीट टैली होती है 1,90,200 से। एडजस्टमेंट पे एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि शिल्पा ने 41,660 के मूल्य का जो स्टॉक था उसे 35,000 में ले लिया और शिल्पा ने ही बैंक लोन भी पे किया है। सेकेंड यहाँ पर हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि जो शेष स्टॉक थे उन्हें 14,000 में बेच दिया गया और 10,000 के जो डेटर्स थे उनसे हमको 8,000 रुपए वसूल हुए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूमि का जो विक्रय है वो 1,10,000 में किया गया और शेष देनदारों से पुस्तक मूल्य जो है मतलब उनकी जो वैल्यू है बुक वैल्यू से 50% की वसूली की गई। यहाँ पे वसूली की लागत भी दी हुई है 1,200 और 6,000 मूल्य की एक टंकण मशीन यानी कि टाइपिंग मशीन जो है वो पुस्तकों में गैर अभिलेखित है, इसे एक लेनदार ने इसी मूल्य पर यानी कि 6,000 रुपए मूल्य पर ले लिया। ये हमारे एडजस्टमेंट है। अब इनके आधार पर हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करेंगे। हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा और वहां हमने देखा कि किस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे पास जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उनको हम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको फिक्स एसेट सबसे पहले दिखाई देता है 81,000 के बिल्डिंग है, इसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। लैंड है 81,000 के,
स्टॉक है 56,760 का और डेटर्स है 18,600 के। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो पुरानी हमारी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है उसके आधार पर जो लाइबिलिटीज है उनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइबिलिटी हमको यहाँ पर दिख रही है बैंक लोन है 20,000 के, क्रेडिटर है 37,000 का और यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,200 का। तो कुल मिलाकर ये हमने यहाँ पर लाइबिलिटीज की एंट्री कर ली है 58,200 से। तो एडजस्टमेंट अब हम करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइबिलिटी साइड से कौन कौन से एडजस्टमेंट आएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि शिल्पा जो एक साझेदार है ने बैंक लोन का भुगतान किया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक लोन है 20,000 और उसका भुगतान शिल्पा ने किया है, तो इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू शिल्पास कैपिटल और 20,000 के जो अमाउंट है बैंक लोन की इसकी एंट्री सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से पॉइंट जो है वो डेबिट साइड में आएंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि शिल्पा ने एक स्टॉक भी लिया हुआ है 35,000 का, तो क्योंकि शिल्पा ने 35,000 का स्टॉक लिया है तो इसकी क्योंकि जनरल एंट्री हमने देखी कि जनरल एंट्री होगी शिल्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इस आधार पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 35,000 लिखेंगे बाय शिल्पा कैपिटल। और साथ में ये दिया गया है कि जो शेष स्टॉक बचा था जो बैलेंस जो था स्टॉक वो 14,000 में जो है वो बेच दिया गया, तो ये 14,000 की अमाउंट हमारे पास आ गई इसकी जनरल एंट्री जैसे कि हमने की कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश 14,000। आगे हम देखते हैं कि 10,000 के डेटर्स जो थे वो 8,000 में उनसे 8,000 की वसूली की गई, यानी कि हमें 8,000 मिला तो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेटर्स थे हमारे वो 10,000 के थे, 10,000 में हमको 8,000 के डेटर्स मिले हैं, तो यहाँ पर जब हम क्रेडिट साइड में बाई कैश में इसकी एंट्री करेंगे तो हम केवल 8,000 की एंट्री करेंगे, यानी कि एक्चुअल हमको जो अमाउंट मिली है कैश की सिर्फ हम उसी की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई कैश हमने क्रेडिट साइड में लिखा, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम इनर कॉलम में स्टॉक लिखते हैं 14,000 का और उसके बाद डेटर्स के अमाउंट लिखते हैं 8,000 की और साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो डेटर्स थे उनसे उनके बुक वैल्यू से 50% की राशि हम यहाँ पर वसूल पाए हैं, तो यहाँ पर हम डेटर्स देख रहे हैं कि टोटल 18,600 के डेटर्स थे जिनमें से 10,000 के डेटर्स से हम पहले वसूली कर चुके हैं, अब बचे हैं 8,600 के डेटर्स और 8,600 के डेटर्स से अगर सिर्फ 50% ही वसूली हम कर पाए यानी कि हम 4,300 की ही वसूली कर पाए, तो कुल मिलाकर डेटर्स से हम 12,300 की वसूली यहां पर कर पा रहे हैं। तो अब स्टॉक और डेटर्स से कुल मिलाकर टोटल जो है वो 33,000 की अमाउंट हम वसूली कर पा रहे हैं जो कि हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि का विक्रय 1,10,000 में किया गया, तो भूमि का विक्रय 1,10,000 ये हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंड बाय कैश और उसके अंतर्गत हम लैंड लिखेंगे। तो कुल मिलाकर कैश के अंतर्गत तीन अमाउंट आएगी स्टॉक डेटर्स और लैंड और ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,36,300। अब हम देखते हैं कि विघटन के समय जो वसूली की लागत थी वो 1,200 है, तो क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश तो ये एक्सपेंस हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे 1,200। साथ ही हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स की जो हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं वो है 37,000 के और यहाँ पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ दिया हुआ है कि 6,000 रुपये मूल्य की जो एक मशीनरी थी एक टंकण मशीन थी उसको पुस्तकों में गैर अभिलेखित वो है और उसको एक लेनदार ने इसी मूल्य पे ले लिया, तो टोटल हमारे जो 37,000 के डेटर्स थे उसमें से हम क्योंकि लेनदार ने इसे ले लिया है तो उसको माइनस करने के बाद जो 31,000 वो आता है वो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। टोटल हमको 37,000 क्रेडिटर को पेमेंट करना था जिसमें से 6,000 की हमने उसको एक टाइपिंग मशीन दे दी, अब उसे हम सिर्फ 31,000 की पेमेंट करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश 31,000। और अब जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो आता है
हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है 20,940, और ये जो 20,940 है इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शिल्पा, मीनू और नंदा को हम बांटेंगे इनके लाभ विभाजन अनुपात में 3:2:1 में। तो शिल्पा के हिस्से में आएगा 10,470 और मीनू के हिस्से में आएगा 6,980 और नंदा के हिस्से में आएगा 3,490। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया है शिल्पा और मीनू का 80,000 और 40,000, और नंदा का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस उसे हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे 23,000। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी पार्टनर ने अगर कोई संपत्ति या दायित्व खरीदी है, उसे लिया है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 35,000 के स्टॉक थे उसे शिल्पा ने लिया था। तो वहां पे क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर कर लेंगे 35,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद और ऐसी कोई संपत्ति या दायित्व नहीं है यहाँ पर जिसे किसी साझेदार ने लिया हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रिजर्व है, रिजर्व के लिए यहाँ पर दिया हुआ जनरल रिजर्व 12,000 का, उसे हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शिल्पा, मीना और नंदा को। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 6,000, 4,000 और 2,000। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बैंक लोन है 20,000 का। इस बैंक लोन का जो भुगतान है वो शिल्पा ने किया है। वहां पर हमने जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में जो एंट्री की थी वहां हमने देखा था कि शिल्पा का जो अकाउंट था वो वहां पे क्रेडिट हो रहा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट। तो शिल्पा के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है शिल्पा, मीनू और नंदा का 10,470, 6,980 और 3,490, इसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे क्रेडिट साइड में। ओवरऑल जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एक इसका इजी तरीका ये भी हो सकता है कि हम पहले तो बैलेंस ट्रांसफर कर लें कैपिटल अकाउंट के, और उसके बाद रिजर्व हम देख लें कि रिजर्व कहीं पे है, जनरल रिजर्व अगर कहीं पे है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और तीसरा, हम रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत ध्यान से देखें, अगर वहां पर किसी एसेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड अगर किसी पार्टनर का नाम आया हुआ है तो उसकी हम क्रॉस एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर लें। तो इससे हम बहुत आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और कोई पॉइंट छूटने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो इस तरह हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो देखते हैं कि शिल्पा का जो क्रेडिट टोटल है वो ज्यादा है, 1,16,470 है। तो 1,16,470 में जब हम डेबिट बैलेंस 35,000 माइनस करते हैं तो शिल्पा के हिस्से का जो उसको पेमेंट की जो अमाउंट बनती है वो 81,470, और मीना का जो टोटल यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडिट साइड का वो है 50,980, और इसमें से जब हम डेबिट बैलेंस देखते हैं तो डेबिट में कुछ भी नहीं है मीना का, तो टोटल इसको पेमेंट करना होगा 50,980। और उसके बाद नंदा का अगर हम देखते हैं तो डेबिट जो बैलेंस है 23,000 है, जबकि क्रेडिट जो है वो कम है यहाँ पर 2,000 और 3,490। ये अगर हम माइनस करते हैं तो ये जो बैलेंस आता है इसका कैश बैलेंस यहाँ पर जो अमाउंट पे की जाएगी इसके द्वारा वो होगी 17,510। तो ये बैलेंसेस हमको यहाँ पर मिल गए हैं। अब इन बैलेंस के आधार पर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सावधानी से देखेंगे कि कौन कौन सी कैश हमारे पास आई और कौन कौन सी कैश हमारे पास फर्म से गई। तो जितनी जितने बार भी कैश हमारे पास आई है हम उसको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, और जितने बार कैश हमारे पास से खर्च हुई है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। सीक्वेंस से हम इसको बहुत आसानी से बनाएंगे जिससे कि कोई पॉइंट छूटने की संभावना नहीं रहेगी और गलती की संभावना भी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमने कैश की एंट्री की है।
जहां जहां हमने कैश की एंट्री की है वहां वहां हम इसकी क्रॉस एंट्री कैश अकाउंट में कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दो जगह हमने कैश की एंट्री की है, एक बार यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं 1200 के और एक बार हमने क्रेडिटर को पे किया है 31,000। तो ये दोनों हम क्रॉस यानी कि क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है तो बाय रियलाइजेशन और 31,000। और किसी प्रकार की कोई एंट्री यहाँ पर डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में कैश से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको जो एसेट्स थे उससे टोटल ओवरऑल हमने जब टोटल किया था तो वहां हमको 1,36,300 की वसूली हुई थी। तो 1,37,600 ये हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले से ही हमारे पास कैश बैलेंस, जो पुराना हमारा बैलेंस शीट है क्वेश्चन का, वहां पर पहले से ही हमारे पास कैश बैलेंस है 10,840, उसकी हम एंट्री सबसे पहले कर लेंगे। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि शिल्पा और मीना जो दो पार्टनर हैं उनको हमको पे करना है 81,470 और 50,980। तो क्योंकि हमको इनको पे करना है, इनका बैलेंस जो है वो यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है हमको 81,470 और 5,980। तो इसे हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख लेंगे शिल्पा और मीना के कैपिटल अकाउंट में डालकर। और तीसरे जो पार्टनर है नंदा, उसे हमको प्राप्त करना है, वो लेकर आएगी, उसका डेबिट बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे, तो 17,510 जो है ये हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। ओवरऑल एक कंसेप्ट ये भी हम फॉलो कर सकते हैं कि क्रॉस ट्रांसफर हमको करना है। रियलाइजेशन के डेबिट में जो कैश है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जहाँ कैश है वो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, वैसे ही क्रॉस एंट्री हमको कैपिटल में भी करनी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से अभी तक हम बैलेंस शीट बना रहे थे और बैलेंस बराबर आ रहा था, तो क्योंकि यहाँ पर हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अकाउंट बंद करने की बात कर रहे हैं, तो जो कैश का हमारा जो बैलेंस है वो टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, हिसाब किताब पूरा बराबर आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी सही हुई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट का जो टोटल है वो 1,64,650 डेबिट में भी आया है और उतना ही क्रेडिट में भी आया है। तो कुल मिलाकर ये हमारा जो कैश है उसका वो टोटल बैलेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। इस प्रश्न में तीन साझेदार हैं, काला, गोरा और भूरा। इनका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो है 2:1। बैलेंस शीट जो दी गई है उसमें हम देख रहे हैं कि इनके दायित्व में क्रेडिटर्स है 12,000 के, जनरल रिजर्व है 5,000 का, 15,000 कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो काला की है 15,000, गोरा की है 12,000 और भूरा की है 6,000। संपत्ति अगर हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि बैंक जो है, बैंक बैलेंस जो है वो 12,200 है, डेटर्स है 8,000 के जिसमें बैड डेट रिजर्व जो है वो 200 का है यानी 7,800 के डेटर्स है, स्टॉक के अमाउंट है 6,000, फर्नीचर 2,000 और बिल्डिंग 22,000 पे है। टोटल बैलेंस शीट टैली होती है 50,000 पे। एडजस्टमेंट पे एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि डेटर्स है 7, जब संपत्तियों से वसूली हुई विघटन के दौरान तो डेटर से 7,000, स्टॉक से 5,000, फर्नीचर से 1,000, बिल्डिंग से 25,000 वसूल हुए और जो क्रेडिटर थे उनको 11,000 देना तय किया गया। नुकसान हुआ था फर्म को, इसलिए फर्म डिसॉल्व किए गए, विघटन किया गया और इस कारण 3,000 के एक दायित्व का जो है उसका भी भुगतान करना है और विघटन व्यय यहाँ पर 1,000 रुपए हुए हैं। यहाँ हमको वसूली खाता और पूंजी खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास बैलेंस शीट है इस बैलेंस शीट में एसेट्स की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी हमारी एसेट्स रहती है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बुक वैल्यू पे नोट कर लेते हैं, यानी कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी गई है उस वैल्यू पे हम नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटर्स है 8,000 के, बैड डेट्स रिजर्व या तो हम यहाँ पे माइनस करके लिखें 7,800 या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि डेटर्स 8,000 डेबिट में लिख के ये जो बैड डेट्स रिजर्व है इसको हम क्रेडिट में 200 लिख दें। तो यहाँ हम डेटर्स 8,000 लिख रहे हैं और क्रेडिट में इसका जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसको बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके 200 क्रेडिट में लिख देते हैं।
सेकेंड हम देख रहे हैं कि स्टॉक है 6,000 का, फिर फर्नीचर है 2,000 का और बिल्डिंग है 22,000 का, ये हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक क्रेडिटर है हमारे पास यहाँ 12,000 के, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट कर लेते हैं 12,000। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि हमको संपत्तियों के बिक्री से कितने राशि वसूल हुई है और हमने कौन कौन से लाइबिलिटी पे की है। तो अगर हम वसूली की बात करें, जो वसूल होता है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाते हैं, तो हमको वसूली जो हुई है वो डेटर से 7,000, स्टॉक से 5,000, फर्नीचर से 1,000 और बिल्डिंग से 25,000, और ये आउटर कॉलम में हम इसका टोटल लिखेंगे 38,000 हमको वसूल हुआ है बाय कैश। उसके बाद हम एक्सपेंस अगर देखें तो हम देखते हैं कि एक यहाँ पर लाइबिलिटी थी जो बुक में कहीं नहीं दी हुई है, यहाँ पर इस लाइबिलिटी को हम पे कर रहे हैं 3,000 की, तो उसे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 3,000, और क्रेडिटर क्योंकि 11,000 में क्रेडिटर हमको क्रेडिटर्स को देना तय हुआ था तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो उसे भी हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 11,000। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि विघटन व्यय है, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 1,000, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 1,000। तो यहाँ हमको जो बैलेंस शीट की एंट्रीज थी और जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज थी वो सब कंप्लीट हो गई है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, यानी कि डेबिट का टोटल 53,000 है और क्रेडिट का टोटल अगर हम इसमें से 200, 12,000 और 38,000 माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचता है क्रेडिट में वो आता है 2,800। अब इस 2,800 को हम जो इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है यानी कि 2:2:1 इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो काला जो है उसको 1,120, गोरा को भी 1,120 और भूरा को 560 रुपीस मिलेंगे जो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट का हमारा जो प्रोसेस है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस दिया गया है पार्टनर्स का उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि जो काला, गोरा और भूरा है उनकी जो कैपिटल है वो 15,000, 12,000 और 6,000 है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस लिख के ट्रांसफर कर देंगे 15,000, 12,000 और 6,000। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ कहाँ पे किसी पार्टनर्स का नाम आया है, उनकी कैपिटल कहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो किसी पार्टनर ने क्योंकि किसी प्रकार की एसेट्स को लिया नहीं है और ना किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे की है, तो इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब हम जो रियलाइजेशन का बैलेंस है सिर्फ वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। रियलाइजेशन का जो बैलेंस आया है वो हम देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है जो कि काला का 1,120, गोरा का भी 1,120 और भूरा के लिए 560 है, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने इसकी एंट्री करनी। अब हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व जो है बैलेंस शीट में दिया गया है क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो उसको हम जो हमारे पूरे पार्टनर है, तीन पार्टनर, तीनों को उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था जो 2:2:1 है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2000, 2000 और 2000, ये क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व इस तरह से लिख देंगे। अब किसी भी तरह की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हम देखते हैं कि काला जो है पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जो टोटल है वो 17,000 का है, इसमें से डेबिट टोटल अगर हम इसका डेबिट बैलेंस अगर हम इसका माइनस करते हैं तो आता है 15,880, इसको हम जो भी डेबिट में आ रहा है सबको टू कैश लिखेंगे क्योंकि इन पार्टनर्स को हमको इतनी राशि देनी है। तो काला को हम दे देंगे 15,880 और गोरा का हम देखते हैं कि क्रेडिट जो टोटल है वो 14,000 है, इसमें से हम इसका डेबिट बैलेंस जो है 1,120 इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 12,880 इसको दे होगा गोरा को, और भूरा का हम देखते हैं कि जो बैलेंस आता है 7,000 माइनस 560 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 560 ये आ जाता है इसके हिस्से का बैलेंस 6,440। तो इन तीनों जो साझेदार हैं उनको हम यहाँ पर टू कैश लिख के इतनी धनराशि का भुगतान उनको करना है ऐसा माना।
अब चाहे तो इसके आधार पर हम कैश या बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बना के क्लोज करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी तरह का नया कोई पॉइंट इसमें नहीं था, सिर्फ एक नया पॉइंट था जिसके कारण जनरली जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं कि किसी भी दायित्व के बारे में जो बैलेंस शीट में नहीं दिया है लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसका हमको क्या करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दायित्व का भुगतान करना है हमको, और जैसे कि हम दायित्व का भुगतान हमेशा करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख के, उसी तरह से हमको इसकी एंट्री करनी है।